शो आओ आओ मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मैं कशो आओ आओ मदीने चले जब है फिजा मदीने में तजल्लियों की जब है फिजा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में बराहे रास है राहे खुदा मदीने में आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले मैं कशा साकी ये कौसर से पीने चले दस्त साकी ये कौसर से पीने चले याद रखो अगर याद रखो अगर याद रखो अगर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम बिजलियों का है डर खौफ तूफान है बिजलियों का है डर सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं आप ही कर न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना कस्ते हम बेचारा रा दामातु भी मन आसियम मन आजिजम मन बेगजम हाले मेरा पुरसातु ऐ मुश्तबे जुम्बर फिशा पैके नसीमे सुबह दम ऐ चार अगर ईसा नफस ऐ मून से बीमार गम ऐ कासिदे पुरखंदा पे तुझको उसी गुल की कसम इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोजदन फीहन नबी अल मोहतरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे हम ये बेकसम क्या कहेगा जहां हम ये बेकसम क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी
University FM 98.2. ZUFM 98.2. आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2. सुबह की ताजा खबर, ऑसम मौसम, और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? व्हाट्सएप वालों, इंस्टाग्राम वालों, अरे फेसबुक वालों, आया मजा? कैसे आप लोग, ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं? मजा तो बहुत आया होगा ना। सो दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी, आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक, करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेज, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। अगर आपके पास ट्विटर नहीं है, हाय आप लोगों का क्या होगा? सो फेसबुक पर जाकर ज्वाइन करेंगे आप, हमें सर्च करेंगे ZUFM 98.2 और साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली, राइट? और इसके साथ साथ आप लोग जाएंगे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJFarhanaOfficial, ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे ट्विटर पर, ठीक है ना? अगर आप लोगों को पता चल गया होगा ना कल ट्विटर के होने के क्या फायदे हैं, पता चल गया कल? आप लोग तो मेरे ख्याल से सारी रोनी सूरत लेके बैठोगे ना, क्या मतलब आप लोगों की शक्लें देखने वाली होंगी कल सच में। तो देखो अभी भी वक्त है, ट्विटर कर लो इंस्टॉल अपने फोन में, सर्च करो जाके @ सैयदा फरहाना अली। और YouTube पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली, ठीक है ना? वहां पर जो है वो शोज अगर यहां से डिलीट हो चुके हैं, आपने मिस कर दिए हैं, कुछ भी हुआ है, तो वहां पर जाकर बहुत ही आराम से आप सुन सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आपका कौन सा बिल आना है? हाँ तो भाई कैसा गुजारा आपने ये टाइम 8:30 बजे के बाद रात को, जब फेसबुक नहीं चल रही थी, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था। वैसे आधी से ज़्यादा कौम तो अब व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल करती है, जिन लोगों का आना जाना ही नहीं है इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ना, तो कल तो फेसबुक को भी ताने पड़े ट्विटर की तरफ से। सारी मीम्स ट्विटर पे, वाओ। सो आप बताइए ना जरा कैसा लगा ये, इसके बगैर कैसा लगा आप लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक? सारा दिन जो लोग फेसबुक पर, हर वक्त सारा टाइम फेसबुक पर गुजारते हैं, उनको कैसा लगा वो बताएं। सो बातें बहुत सारी करेंगे, लेकिन ट्रैक सुनवा देते हैं आपको, उसके बाद आके बात करते हैं।
सो अच्छा जी, कल मैंने जो है वो कुछ सॉन्ग्स लाइन अप किए थे लेकिन प्ले नहीं किए, मजे की बात देखें। तो चैलेंज जी, आज हम प्ले करते हैं ये फाखिर की आवाज़ में, जो कि मैंने कल लाइन अप किया था लेकिन मैंने प्ले नहीं किया था, बट कोई नहीं, आज प्ले कर देते, ठीक है ना। चलें वापस आते हैं, इसके बाद करते हैं आपसे मजी बातें। होपफुली ये कोई स्लो ट्रैक ना हो, बट देखते हैं, क्योंकि मैंने आई गेस मैंने ये ट्रैक नहीं सुना है, बट लेट्स सी, देखते हैं। सो वापस आएंगे इसके बाद। आपने कहीं नहीं जाना, मैं कहती हूँ ना कि आपने कहीं नहीं जाना, अगर आप कहीं पर भी चले गए तो इतना कुछ हमारे शो से मिस करेंगे, बाद में पछताएंगे। और लाइव का मजा तो लाइव ही होता है ना, रिकॉर्डेड शो सुनने की बात अलग है, ठीक है, बट लाइव इज लाइव। दो टॉपिक्स हैं और एक टॉपिक ऐसा है उस पर आप ये समझ लें कि वो सर्वे नहीं करते, पब्लिक सर्वे होता है, तो आप ये समझ लें कि आज हम सर्वे करेंगे आज अपने शो में, ठीक है ना। आप लोगों का परसेप्शन जानेंगे, एक जनरल परसेप्शन जानेंगे, क्या चीजें बताती हूँ। लेकिन पहले एक मजे का टॉपिक, तो बताना आपने ये है कि यू नो, हम बहुत सारी चीज़ों से चिढ़ जाते हैं, कुछ बातों से चिढ़ जाते हैं, कुछ बातें बार बार अगर हम रिपीटेडली सुनते रहें तो हम चिढ़ जाते हैं ना, फिर अगली बार भी वो बात सुने तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है, राइट। सो आपने बताना है किस बात से चिढ़ते हैं आप, बताया ना किस बात से चिढ़ते हैं आप तमाम लोग, ठीक है। और साथ साथ हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, तो सवाल ये है कदर करने का पैमाना क्या है, कैसे पता चलेगा कि लोग आपकी कदर करते हैं, मतलब आप लोगों की कदर कैसे करते हैं, ये आप हमें बताएंगे, ठीक है। कि अगर आप किसी की कदर करते हैं तो वो किस तरह से, क्या आप एक्शंस क्या होते हैं आपके, किस तरह से जो है वो आप लोगों की कदर करते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि हमें कोई फलां शख्स जो है ना हमारी कदर करता है, कैसे पता चलेगा। सो ये आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। जनरल परसेप्शन है, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन असल में हर्ट कर रहे होते हैं। खैर जी, आपने बताना है, ठीक है, दो टॉपिक्स पर बात करेंगे और जरा खबरें बता दें आपको क्या चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम खबर जो कल बंद हुई, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्स जो हैं वो काम नहीं कर रही थी, सर्विस जो है वो तातुल का शिकार थी। तो ज़रा बताइए ना कि आप लोगों ने क्या क्या किया जब फेसबुक बंद थी, व्हाट्सएप बंद था और साथ साथ इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा था, तो हुआ क्या, मतलब आप लोगों ने कैसे अपना टाइम गुजारा, क्या किया आप लोगों ने ज़रा बताइए ना। जिन लोगों के पास ट्विटर नहीं था वो लोग तो बेचारे बड़े बोर हो गए होंगे ना, क्या। YouTube तो चल रहा था, Google वगैरह भी चल रहा था, लेकिन इसके अलावा भी आधी से ज़्यादा कौम तो हमारी Facebook और WhatsApp भी इस्तेमाल कर रही होती है। तो ज़रा बताइए कि ऐसा लगा जब ये चीज़ें बंद हुई तो, और आपको Twitter की अहमियत का अंदाज़ा हुआ या नहीं हुआ। अब Messenger भी बंद था, सब कुछ ही बंद था, ऑफकोर्स ये जो तमाम चीज़ें Facebook का हिस्सा हैं, तमाम चीज़ें डाउन हो गई थी। तो इसके अलावा भाई महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है हर चीज़ पर, और इसके अलावा
कहा जा रहा है भाई आलमी सतह पर जो तेल की कीमत है उसमें 100% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 22% इजाफा किया गया है, और उसके बावजूद पेट्रोल जो है वो 127 रुपए पर लीटर हो गया आई गैस, है ना, 127 रुपए हो गया ना, इतना ही आई गैस अभी फिलहाल। और अब देखें इसकी कीमत कहां तक जाती है, और साथ ही साथ और इसके अलावा, अच्छा जी, मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन से मजीद जो है वो 54 अफराद इंतकाल कर गए हैं, गो के चौथी लहर जो है वो अब उसमें क्या कहते हैं, कमी आ गई है, उसका जोर टूट गया है पहले से सो, लेकिन अभी भी मस्बत केसेस काफ़ी हैं, लेकिन आपने ख्याल ज़रूर करना है, ठीक है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करना है, अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई है अभी तक तो प्लीज़ खुदारा जाकर वैक्सीनेशन करवा लीजिए, यू शुड बी फुली वैक्सीनेटेड राइट। और इसके अलावा सो पेंडोरा पेपर्स के बारे में कल हमने बता दिया था, मेरे ख्याल से अब आपको हर न्यूज़ चैनल पर यही नज़र आ रहा होगा, तो इसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, आप लोग खुद वहाँ पर जाकर आप पढ़ भी सकते हैं इस हवाले से, अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल्स कुछ चाहिए तो आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, 2 साल कैसे लगाए सारे पेपर्स को तैयार करने के लिए, ठीक है ना, आप पूरी रिपोर्ट अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर पढ़ सकते हैं, और क्योंकि वरना अगर हम बैठेंगे ना बात करने पूरा शो 2 घंटे निकल जाएंगे, और सियासत पर हम बात करते नहीं हैं शो में, इतनी सारी जगह पे सियासत पे बात हो रही है, अब रेडियो शो में भी अगर न्यूज़ की बातें करेंगे, सियासत की बातें करेंगे, तो फिर क्या रह जाएगा, है ना। तो चलें जी बात करते हैं क्वेरियस की, क्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपनी माली हालात को मजबूत बनाने की कोशिशों में कामयाबी मुमकिन ना होगी, और आपको अपनी खानदानी जायदाद में से मिलने वाला हिस्सा मनसूख हो सकता है, मुमकिन है तो आप मुलाजमत भी खत्म हो सकती है, और आपको मोहतात रहकर अपने मामला को निपटाना होगा, और किसी भी किस्म की नई सरमायाकारी की जानब ध्यान देना होगा, अपने समाजी मकाम को बरकरार रखने और जाति मफादात के हसूल के लिए किसी किस्म की नई सरगर्मी का आगाज कर सकेंगे, अपने आप को हर तरह के अंदेशों और फिक्रमंदी से जाने की कोशिश करें, आने वाले कल के अमूर के बारे में आज से ही मंसूबाबंदी शुरू कर दें, और खासकर अपने जज्बात की तस्दीक करके अपने अहम काम के बारे में संजीदगी इख्तियार कर लें। बात करेंगे हम पाइसेस की, पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, राइट। सो आज आपकी जल्दबाजी या बेसब्री की वजह से कई किस्म की जज्बाती तब्दीलियां करने में कामयाब ना हो सकेंगे, अपने दोस्त अहबाब के साथ बेहतरीन वक्त गुजार सकेंगे, आज आपको दूसरों की बातों को गौर से सुनना चाहिए और तवज्जो भी देना चाहिए ताकि अपने आप को लड़ाई झगड़े से महफूज रख पाए, जब के दूसरों को भी बोलने का मौका जरूर दें, और अपने आप को मोहतात बनाकर अपने मामलात अंजाम देने की कोशिश करें, ताकि अगर कहीं अंदाजे की गलती हो जाए तो उसे ठीक करने या उसका इजहार करने में किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस ना हो। सो दूसरों से अपने किए गए वादों की हर हाल में पासदारी करें, और अपने फराइज की बजाय आवरी में जो है वो सुस्ती ना करें। बात करेंगे एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज मजमूई तौर पर आपकी सेहत बेहतर होने से हर काम की जज्ज़ियात पर जो है वो बारीक बीनी से गौर खौस कर सकेंगे आप, और इसकी वजह से आपके काम करने की सलाहियत में इजाफा भी हो जाएगा, काम के दौरान बहुत सारे पैदा होने वाले जहनी उलझाव को आप बआसानी खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं, अपने मामलात में अपने साथ काम करने वालों की राय का खास एहतराम जरूर करें, शाम में अपने रिश्तेदारों की जानिब से आपको कोई खुशखबरी मौसूल हो सकती है। कौन से रिश्तेदार हैं ये? खैर, अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी आमदनी बढ़ाकर ने माली मामलात को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो आज मौका है कि आप कोई कदम उठा सकें और खुद को दूसरों से मुमताज करने के लिए सरमायाकारी कर सकेंगे, मगर अपने आप को किसी फैसले का पाबंद मत करें, ठीक है ना। तो बात करेंगे टॉरस की, टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो आज आप मामूल से बढ़कर मेहनत करके ही पेशा वराना तौर पर नुमाया कामयाबी हासिल कर सकेंगे, आपके सीनियर अफराद आपकी अमली कोशिशों की वजह से खास खुश होंगे, मगर आपके साथ काम करने वाले बहुत नाखुश होंगे, और मुमकिन तौर पर आपकी कामयाबी की राह में जो है वो रुकावट डाल सकते हैं, और आपको अपनी लाइफ पार्टनर के मशवरों पर खास तौर पर तवज्जो देना होगी, अपने तमाम तर मामूलात के अलावा किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए मुकम्मल तैयारी और हालात की नज़ाकत को जरूर मद्देनजर रखें, और ये भी याद रखें कि अपनी हर बात को दूसरों से शेयर करना इस कदर जरूरी नहीं होता जिस कदर आपने अपनी आदत बना ली है, वैसे भी मुंह से निकली हुई बात जो है ना वो पराई हो जाती है,
समझ आ रही है, पराई हो जाती है बातें पराई हो जाती हैं। अच्छा जी चलिए बात करते हैं हम जेमिनाई की। जेमिनाई के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज किसी भी किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस होने से पहले अपने मामलात को एहतियात से चेक कर लें, खासकर अपने अहम कागजात और कीमती सामान की नगहदाश्त जरूर करें ताकि नुकसान से बच सकें। आज आप बहुत सी जरूरी और लाजमी जिम्मेदारियों को निभाते वक्त जज्बाती हो सकते हैं। आज किसी किस्म का कारोबारी मुआहदा करने से गुरेज करें वरना मुमकिन तौर पर आपका माली नुकसान हो सकता है और आज आपकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश होगी कि आप अपनी बेआरामी को खत्म कर सके, लेकिन कुदरत की जानिब से जो कुछ भी वकूफ पजीर हो रहा है उसके बारे में खुद को पुरसकून रखने की कोशिश जरूर करें और मुकम्मल इत्मीनान और सुकून के साथ खुद को लचकदार और तहम्मुल मिजाज शख्सियत में तब्दील कर लें। चलें जी बात हो गई आपके स्टार्स की और कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन कहां कहां से मौजूद है, किस किस ने अपनी अटेंडेंस मार्क करवाई और कौन है जो ढीठ अभी तक आपने अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई है। ओके ऐसे कैसे यहां पर ऐसे क्यों आ रहा है भाई, कमेंट्स हम कैसे शामिल करेंगे फिर। ओके चलें जी लेट्स सी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ अब ठीक है। ओके सो हम जो है वो यहाँ से आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन आ चुका है, हाजिर हो चुका है आ चुका है कौन कौन। ठीक है चलें जी। अच्छा जी हमदुल्ला हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं है। क्या हो गया भी? कौन लिखता है ऐसी बातें, फजूल बात है ये। और ये कौन लोग हैं मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन से जो है ना ये क्या कहते हैं कौन से दानश्वर लोग थे, ऐसे दानिशमंदी दिखाते थे अपनी कि ऐसी ऐसी बातें करके चले जाते हैं। हर एज में जो है ना इंसान की गलती को ठीक करने का जो है वो क्या कहते हैं गुंजाइश होती है, राइट। हमदुल्ला बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। गूगल से छाप के आते हो ना हमदुल्ला, तो बस यही वजह है। और सलीम शेख कहते हैं उन ख्वाहिशों को आग लगा दो जिनमें रब के सिवा किसी और के सामने भी झुकना पड़े, ठीक है। और काशिफ खान के कहते हैं मैं फ्रॉम तौंसा शरीफ, माशाल्लाह नाइस शो, थैंक यू सो मच। नाजिम अरमानी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। शहजाद अहमद बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं। मोहम्मद मीरान जाखरानी कहते हैं कि इंसानियत मोहब्बत का मरकज और मोहब्बत इंसानियत की मेराज, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे हज़ार दर्जे बेहतर है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल आपने हमारे साथ शेयर किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और काशिफ अली मलिक कहते हैं कल रात को नींद अच्छी आई थी और मैंने तो सब कुछ ही काट दिया था, फेसबुक और मैसेंजर। हैं सब कुछ ही काट दिया था, मतलब समझ नहीं आया। आबिद अमीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, ट्विटर पे इतना जोर देने वाली आरजे, हाँ तो वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं माशाल्लाह आज ये इतना जोश इतनी तवानाई, कैसे लगता है कि पराठे पर मक्खन लगाकर खाया है विद लस्सी, इतना देसी नाश्ता मैं कभी जिंदगी में नहीं किया इतना देसी नाश्ता मैंने। कल थोड़ा मूड ठीक था बट बस ठीक है, कल जो है वो क्या कल इतनी जोश तवानाई नहीं थी क्या, पता नहीं। खैर काशी खान के कहते हैं कि आज मेरी प्रेजेंट लगा दें, काफ़ी अरसे से एब्सेंट था मैं, चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अच्छा जी डॉक्टर अली शेर शेख, पता है पराठे ना मेरी अम्मी हर हफ्ते मुझे पराठे खिलाने लग गई हैं, बस जहाँ मेरी जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन अम्मी कहती हैं तुम्हारे लिए पराठा पकवा दूँ, अब वो गिराओ तो फिर कहती हूँ पकवा दें, फिर ऑयल कम लगवाइएगा, बिल्कुल ऑयल का नाम ऐसा होना चाहिए कि बस हाथों में ना लगे खाते वक्त सही है ना। सो डॉक्टर अली शेर शेख कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सखर से, वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं वो तो रात को एक बजे न्यूज़ देखी तो पता चला कि मेरे ही पास मसला नहीं था, पूरी दुनिया में ही बंद था बहुत सारे लोग तो अपना वाईफाई जो है ना बार बार बंद कर करके खोल रहे होंगे कि क्या हो गया ये क्यों नहीं चल रही फेसबुक, क्योंकि अगर वो गूगल पे या यूट्यूब पर कहीं चले जाते तो उनको पता चल जाता कि आपके वाईफाई में मसला नहीं है, सही है ना। तो अगर न्यूज़ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है या टीवी पर जाकर अगर न्यूज़ देख लेते तो पता चल जाता। खैर काशी खान के कहते हैं देर इज मोस्ट डिफरेंट इन योर वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज है, पता नहीं क्या कह रहे हैं, आपने मुझे कभी देखा है क्या। कहते हैं प्लीज़ प्ले इश्क सुफियाना इन फीमेल वॉइस, क्या हो गया इंडियन गाने हम प्ले नहीं करते और बोंगे नहीं मारो यहाँ पे आके, पहली बात तो ये पहले देखा है नहीं, ये स्टिल पिक्चर से कुछ पता चलता है क्या मुझे ये बताइएगा। साथ साथ अच्छा जी काशी खान कहते हैं तमाम लिसनर्स को सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं मुझे भांजी, मेरी भांजी पैदा हुई है, मुझे भांजी पैदा हुई है क्या होता है, ये कहें कि आप मेरी भांजी पैदा हुई है। कहते हैं कि काइंडली अच्छे से नाम बताएं, अच्छा अच्छा सा नाम बताऊं,
सोचना पड़ेगा यार, चले बताती हूँ, अभी सोच के बताती हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी भांजी के नसीब बहुत अच्छे करें। मसूद अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आरजे सैयदा फरहान अली साहिबा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि सैयदा फरहान अली साहिबा आप कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं सबसे पहले तो हम आपके और आपकी आवाज़ के दीवानों के गम में बराबर के शरीक हैं। कहते हैं कल जो सबके दिलों की धड़कन फेसबुक और जान मैसेंजर मोम ट्विटर दोनों हमसे, अरे नहीं ट्विटर चल रहा था भाई, कहते हैं कि जो हमसे रूट गया था कहते हैं आओ मिलकर दुआ करें, अली कहते हैं कि आओ मिलकर दुआ करें और कि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि गम है या खुशी है। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, बस ये कहना चाह रहे ना। चले देखिए मैंने गा लिया, गो के इतना अच्छा नहीं गाया, बट कहते हैं यम्बू सिटी में चैलेंज जबरदस्त हो गया। आबद अमीर कहते हैं कि ओ हो ये माहिर फलकियात को इतने अंदरूनी मामलात का इल्म कैसे, मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं बट एंजॉइंग दिस। चक्कर आ रहे हैं, एंजॉय करें आप, ऐसे कैसे हो सकता है। साथ साथ जुबैर लड्डा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बरहाना, कैसी हैं आप और सब लिसनर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। असलम खान कहते हैं कि दुनिया पोर से सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ज़ायदा काश कहते हैं गुड मॉर्निंग आप जी, थैंक यू सो मच। फरूख एजाज बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक मैं भूल गया हूँ, टॉपिक यह है कि आपने बताना है आजकल आपको किस बात से जुड़े होती है। साथ साथ अगर आप लोगों की कदर करते हैं तो कैसे कदर करते हैं, कैसे लोगों को पता चलता है कि आप उनकी कदर करते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। पैमाना पता चले कदर का, पता कैसे चलेगा अगले बंदे को कि आप उसकी कदर करते हैं, ये तो पता चले। साथ साथ मोहम्मद नासिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह शो बहुत अच्छा है और आपको तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कर दें तारीफ, मना थोड़ी यहाँ पे, ना तो आपका बिल आएगा तारीफ करने के लिए। काशी खान कहते हैं कि नाइस लाइन्स मतलब का वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ख़त्म होते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, सो पहले पता नहीं चलता आप लोगों को। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं। मोहसिन कहते हैं अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, और बहुत शुक्रिया। अली हसन बट कहते हैं कि सीज़न 1, 2, 3, 4 और किचन के सीज़न चलेंगे हैं, और फ्रॉम फैसलाबाद, क्या कह रहे हो लड़के, समझ गया है। साथ साथ मोहम्मद मुजम्मिल वालेकुम अस्सलाम कहते हैं गुड मॉर्निंग सिस्टर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू टू। ओके लड़कों तुम लोग की अपनी शक्लें क्या सही नहीं है, जो तुम एक्टर्स की लड़कियां समझ में आती हैं लगाती हैं, तो मैं फिरोज खान की पिक्चर लगाई, फवाद खान की पिक्चर लगाई, भाई अपनी लगाओ क्या है। काशी खान के कहते हैं जी जी देखा देखा है तो कहाँ बाजी हैं, क्या समझ नहीं आया, कहाँ देखा है भाई, क्या हो गया। आबिद अमीर कहते हैं आप लोगों ने मुझे, आप कहीं मुझे देख भी लेंगे ना, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, यू कैन नॉट डिविन फाइंड मी दैट दैट आई एम देयर, सही है। आबिद अमीर कहते हैं भांजी वाले मामों को मुबारक, नाम हो और फातिमा रख सकते हैं क्यों फरहाना, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि वो एक तालिबे इल्म है, जिस तरह का रंग भरना चाहें भर सकते हैं, उस्ताद कौमों की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, अच्छे लोगों की वजह से अच्छा माशरा तश्कील पाता है और अच्छे माशरे से एक बेहतरीन कौम तैयार की जा सकती है। असातिज़ा अपनी आज को कुर्बान करके बच्चों के कल की बेहतरी के लिए कोशिश रहते हैं। आजकल ऐसे टीचर्स हैं क्या, हमारे टाइम पर तो ऐसे टीचर्स हुआ करते थे, बट मुझे नहीं लगता कि आजकल ऐसे टीचर्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना कि जैसी वो जो लड़कियां होती हैं, ये लड़के होते हैं मैट्रिक इंटर के बाद जो है वो स्कूल में जॉब कर लेते हैं, तो फिर एक मैच्योर लेवल उस टाइम पर जैसे हमारे टाइम पर होता था ना, अब नहीं है वो, जिनको एक्सपीरियंस भी होता है चीज़ों का, यू नो, और समझ भी होती है। और आजकल जो है वो इतने कम उम्र टीचर्स अगर होते हैं तो वो सिर्फ यू नो सिर्फ पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कभी कभी वो जितना पढ़ाना चाहिए उतना भी नहीं पढ़ा पाते, आई एम सॉरी, ऐसा है। अगर कोई कम उम्र टीचर सुन रहे हैं मैट्रिक इंटर के बाद तो देखें कुछ ऑफ कोर्स फ़र्क आ जाता है ना चीज़ों में। तो काशिफ अली मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज 5 अक्टूबर को टीचर डे है, चैलेंज ज़बरदस्त हो गया। अरे आज 5 अक्टूबर को टीचर डे, अच्छा मुझे क्यों याद नहीं था। कहते हैं आप सब आरजे भी मेरे टीचर हैं, आप सब भी हमें अच्छा सबक मिलता है आप सबसे, और टीचर डे मुबारक हो। चलें जी बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों को टीचर्स डे मुबारक हो। और कहते हैं उस्ताद, हाँ बिल्कुल जी आपने बताया, थैंक यू सो मच। कहते हैं उस्ताद वो नहीं होते जो खुद बादशाह होते हैं, बल्कि उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को बादशाह बना देते हैं, क्या बात है।
काशिफ अली मलिक कहते हैं किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे अच्छे उस्ताद की बेहतरीन तरबियत कार फरमा होती है, बिल्कुल। और काशी खान कहते हैं कि उम्मे तकबीर, पाकीज़ा अली बिस्मा, इनमें से कौन सा बेस्ट नाम है? उम्मे तकबीर, ये नाम ठीक है, उम्मे तकबीर, हाँ ये सही है। गुलाम मुस्तफा दर्जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत हैं। और अच्छा जी, काशी खान के कहते हैं आरजे रिबेका को बुलाएं। ये आरजे रिबेका कौन है, नाम ही पहली बार सुना है। काशिफ अंसारी, मेरा शो गेस्ट बेस्ड नहीं है, तो अगर हम बुलाएंगे तो ऑफकोर्स वो किसी और शो में ही होगा, मेरे शो में तो नहीं होगा। काशिफ अंसारी कहते हैं गुड मॉर्निंग सैयदा फरहाना अली जन्नत, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अब्दुलाहद कहते हैं कि कहाँ हैं भाई, हैं कौन? काशिफ अंसारी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हसन रज़ा गुड मॉर्निंग कहते हैं, ग्रेट शो कहते हैं, थैंक यू सो मच। और जाहिद आकाश कहते हैं अभी मैंने आपको देखा है, हाँ तो पिक्चर्स में ही देखा होगा, और तुमने कहाँ देखा होगा मुझे। सासद मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम, ज़ियाउल्लाह कहता है कि हमारी आरजे इतनी पैसे वाली लिस्ट दिखा रहा हूँ कि पंडोरा पेपर्स में कार्रवाई, क्वीन का भी तो नाम नहीं है। नहीं नहीं, हमारा नाम क्यों होगा भाई, आप देखें ना, शकीरा का नाम निकल रहा है भाई, जैकी श्रॉफ का नाम निकल रहा है पेंडोरा पेपर्स में, आप देखें इतने बड़े बड़े, वाकई में बड़े बड़े नाम, मैं तो हैरान थी मैंने जब देखे ना सारे नाम, इतने बड़े बड़े नाम भाई, आप हॉलीवुड के सिंगर्स देख लें भाई, बस देखें ना। और वैसे बरतानिया पहले नंबर पे, जितने सारे लोग वहाँ के शामिल हैं ना इसमें, पाकिस्तान तो फिर पाँचवें नंबर पे पाँचवा नंबर कम होता है। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम, ज़ियाउल्लाह कहता है कि हमारी, अच्छा हाँ ये मैंने शामिल किया। और मोहम्मद मुजम्मिल कहते हैं कि सिस्टर आप अपनी पिक लगाएंगे अब, ना लगाओ सानू की। आपने मेरे कहते हैं टॉपिक पर, लोगों को कैसे पता चलता है कि हम उनकी कदर करते हैं? हम उन लोगों की बैठक में बैठना पसंद करते हैं और बेवजह सलाम दुआ करते हैं अच्छा कहते हैं और इस तरह कदर करते हैं, खासकर आप नोट नहीं करती हम जो कदर करते हैं, काशिफ मसूद और हुमैरा, क्या लिखा है, हुमैरा महसूस नहीं करती कदर। हाँ देखें, आप लोग तो बताते हैं ना, तो बिल्कुल क्यों नहीं, अच्छा ठीक है, सही है। और साथ साथ काशी खान के बस इसी से पता चल जाता है, एलिजाबेथ राय का सॉन्ग प्ले कर दें प्लीज़, चलें जी, आई विल ट्राई। शंकर ड्राइवर, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर कहते हैं। मोहम्मद नासिर कहते हैं कि हिम्मत ना हारो, उदास ना हो, क्योंकि एक अकेले चलने का हौसला रखते हैं जो, अकेले दिन उनके पीछे काफिले चलते हैं, अच्छा एक दिन उनके पीछे काफिले चलते हैं, सही है। मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक पर मैं अपनी बात करूंगा, कदर की बात करो तो मैं शायद अल्फाज में नहीं बता सकता क्योंकि ये दिल का काम है और दिल से होता है, तो पता कैसे चलेगा भाई अगले को क्या आप कदर करते हैं, दिल से होता है, अल्फाज में नहीं बता सकते, पता चलेगा कैसे? मैं, मुझे तो ये जानना है कि कैसे पता चलेगा, सिर्फ कहने से कि हम आपकी कदर करते हैं पता चल जाएगा कि आप हमारी कदर करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। साथ साथ अली हसन भट्ट कहते हैं आपकी स्माइल कार्टून स्माइल है, फ्रॉम फैसलाबाद, अच्छा ठीक है। और अपने बारे में क्या ख्याल है बेटा, है ज़ाहिद आकाश कहते हैं ये जालिस लोग होते हैं जो ना अटेंशन सीकर होते हैं ना, जिनको अटेंशन नहीं मिल रही होती है, वो लोग होते हैं ऐसी बातें करते हैं आके। ज़ाहिद आकाश कहते हैं नहीं, आप ही जब आप शो करके वापस आई थी ना, बस कर दो ज़ाहिद आकाश, इतनी बड़ी बोंगे नहीं मारो। काशी खान कहते हैं कि YouTube वीडियो पे देखा है आपको, इसलिए कहा कि आपकी वॉइस एंड फेस में डिफरेंस है। अच्छा, मुझे तो लोग कहते हैं कि जैसी आपकी आवाज़ है वैसी आपका फेस है, कोई नहीं कहता मुझे कि ये आपने ही गाए अच्छा जी, अमर रमेश कुमार कहते हैं चनेसर गोट कराची से, अमर रमेश कुमार खत्री टेलर मास्टर से, टेलर मास्टर हैं, अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप टेलर मास्टर भी सुनते हैं, ठीक हो गया। अब्दुल अहद, बहुत शुक्रिया। शेख सलीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ और कौन है, बार बार आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना, जो असल कमेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, जो लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स कर दिए हैं, लेकिन मुझे चलें जी एक ट्रैक की जानिब जाते हैं, एक नहीं मैं एक ट्रैक प्ले करने जाती हूँ, दो प्ले कर देती हूँ, तो आज भी मेरे ख्याल से मैं वही करूँगी। और मसूद अहमद साहब कहते हैं कि हम अपनी आरजे से ये उम्मीद करते हैं कि टीचर्स डे के मौके पर कहाँ गया अली हसन बट उर्फ मिस्टर लांडी को कुछ ना कहें, आज उसे बख्श दें। ये अली हसन बट, ये अली है, अच्छा अभी देखती हूँ मैं, सब्र करो पता चल जाएगा अच्छा मैंने गौर नहीं किया, लेकिन नहीं, ये अली हसन बट वो अली नहीं है, ये तो कोई और ही है, आपको लग रहा है ऐसा, ठीक है। अच्छा जी चलें,
क्या? अच्छा, काशी वाली मलिक के टॉपिक पर जवाब है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे आपसे उम्मीद है कि आप कभी छोटी बात नहीं करेंगे, मतलब वो हमारी कदर करें हैं, ये कैसे समझ नहीं आया। अच्छा जी, आबिद अमीर कहते हैं कि टॉपिक पर आजकल सबसे ज्यादा चिड़ है कहाँ, चिड़ है धोखेबाजी से, उफ फरी अमानत रखवाई थी खा गए और बिजली के बिल में 34,000 इजाफी लगा दिए, पिछला बिल 38,000 का भरा था। ओके, मतलब इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, ऐसा क्यों है भाई? तो आप लोग कंप्लेन वगैरह क्यों नहीं करते, एक ईमेल तो करें, या कोई आपके कोई ना कोई ऐसा होगा ना, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप लोग स्टेप तो लिया करें। और चलें हम ये शामिल करेंगे थोड़ी सी देर में, और फिलहाल हम जाएंगे ट्रैक की जानिब। ओके, और हम कौन सा ट्रैक सुनेंगे अब, ये ज़रा मैं ढूंढ लूँ कि कौन सा ट्रैक सुनना है। चलें, अली खान का ट्रैक मुझे याद आया, काफ़ी टाइम हो गया ना नहीं सुना, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स, सो हम सुनते हैं, कोई आए ना, ठीक है ना। ओके, ठीक हो गया, चैलेंज जी वापस आएंगे इसके बाद, करेंगे आपसे बातें, ठीक है ना। आपने कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, बस इतनी इतनी सी बात है, कहीं भी नहीं जाना। सो इस गाने के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून। फासले नहीं होंगे दरमियां, प्यार में यूं ही झूमेगा समां, क्या हुआ सनम कहो तो जरा, देखो तो जरा कहती क्या घटा, ये क्यों गए कोई आए तो जरा, दूर तक हो खामोशी जा, सोचा क्या सनम कहो तो जरा, देखो तो जरा कहती क्या आए ना, 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 आए
बिखेरे तू है नहीं पास मेरे, अब तो आ जाओ मेरे सोने सुनी, तेरे बिन ये रातें सुनी सुनी सारी बातें, यू ना हो मैं तड़ पावे सोने तेरे बिन, नहीं लागे जिया तेरे बिन, अब तो आजा पिया तेरे बिन, नहीं लागे जिया याद आए तेरी बातें नहीं भाए बरसाते, तू है मेरी जिंदगानी सोने तेरे बिन, मेरे नैना कहीं पाए न चैना, तू है दिल की कहानी सोने तेरे बिन, नहीं लागे जिया तेरे बिन, अब तो आजा पिया तेरे बिन, नहीं लागे जिया। तुम जो गए पल थम गए, मिनट्स पास 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो चलें जी कुछ आपके स्टार्स की बात करते हैं। हमने आपसे पूछा, आपने बताया ना आजकल आपको ना किस बात से चिढ़े, ये बताएंगे आप पहले तो साथ साथ आप बताएंगे भाई कि आप अगर लोग की अगर आप कदर करते हैं तो कैसे करते हैं, या अगर हम आपकी कदर करें तो कैसे पता चलेगा, या कोई और आपकी कदर करे तो मतलब पता कैसे चलता है, मैं जानना चाहती हूँ। उलट क्यों लगता है अगर आप वाकई किसी की कदर करते हैं तो उसको क्यों नहीं लगता कि आप उसकी कदर करते हैं, कैसे पता चलेगा, उल्टा नहीं लगना चाहिए। What I wanted to tell you, उल्टा नहीं लगना चाहिए। सो बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा,
सो आज आपको अपने तयशुदा शेड्यूल को बरुए कार लाना मुश्किल होगा कि जिसकी वजह से आप में गुस्सा और बेचैनी बढ़ सकती है। अगर आपने अपने तयश और गुस्से पर काबू ना पाया तो आपकी दूसरों से तलख कलामी हो सकती है कि जिससे आपके दोस्त अहबाब आपसे दूर हो सकते हैं, खासकर जब आपको उनकी सबसे ज्यादा असलियत मालूम होगी तो दिल बहुत दुखेगा और ये तमाम अफराद बुरे लगने लगेंगे। इसके अलावा आप किसी भी कानूनी पेचीदगी जैसी सूरत हाल में मुबतला हो सकते हैं। आपको हर हाल में मुतमईन और पुरसकून रहना होगा ताकि अपने मौजूदा अहदाफ की जानिब मुकम्मल तवज्जो मरकूज कर सकें, अपने अंदर जन्म लेने वाले अंदेशों और बिला वजह के खौफ से निजात हासिल करने की कोशिश करें। बात करेंगे हम लियू की, लियू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। 10 बजे के बाद आपकी कॉल को शामिल करेंगे। लियू के लोगों की बात करते हैं, आज अपने लबो लहजे को मामूल के मुताबिक रखने की कोशिश करें और सख्त अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करने के अलावा अपना लहजा नरम बनाने की कोशिश करें ताकि अपने प्यारों के साथ आपके ताल्लुकात मुतासिर ना हो, वरना लड़ाई झगड़े के इम्कानात बढ़ सकते हैं। आज का दिन दोस्तों से गपशप या किसी तवील सफर के लिए मुनासिब नहीं होगा। आज कोई ऐसा फैसला करने का मौका मिल सकेगा कि जिससे माली मफादात का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। आज के दिन लोगों के मसाइल को अपने सर पर सवार ना करें, बल्कि वो जिस तरह से आपसे मिले उस तरह से ही आपको भी उनसे बर्ताव करना चाहिए। मुमकिन तौर पर आपके इस अमल से कई अफराद बहुत खुश और कई एक नाराज भी हो सकते हैं। बात करेंगे वर्गों की, वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड और अच्छा जी ठीक है, एक तो ये कभी कभी इंटरनेट बड़ा स्लो हो जाता है ना। हाँ जी, सो आज अपने जाती मफादात के हुसूल के लिए आप सरगर्म अमल हो सकते हैं, बल्कि नहीं हो सकते नहीं हो सकते कि जिसकी वजह से आपकी सरगर्मियों में तातुल पैदा हो सकेगा। उन कामों में आपको अपने रिश्तेदारों की मदद हासिल करने में भी नाकामी होगी। वैसे भी आप नाकाम ही होते हैं अगर रिश्तेदारों की मदद लेने जाते तो। अगर आपको गाड़ी चलानी हो तो ट्रैफिक के मामलों के बारे में बहुत ही ज्यादा मोहतात रहें और हर किस्म के कवानीन की पासदारी करें, वरना आपको कई किस्म के खतरात मोल लेना पड़ेंगे, जबकि इसमें भी कामयाबी ना मिल सकेगी। अपने दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारना बेहतर अमल है और लिहाजा खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लें ताकि जब वक्त आए तो आपको मुश्किल ना हो। अगर आप माजी को साथ लेकर मुस्तकबिल की तामीर करना चाह रहे हैं तो यकीनन माजी के तजुर्बात आपकी रहनुमाई कर सकेंगे। ठीक हो गया, और लिब्रा की भी साथ साथ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। एक मिनट बाकी है अभी 10 बजने में। सो आज आप अपने ताखीर का शिकार मामलात को मुकम्मल करने के बारे में बहुत ज्यादा जज्बातियत पैदा हो सकती है आपके अंदर, लेकिन आपको जल्दबाजी से गुरेज करना होगा वरना आपकी सरगर्मियों की वजह से आपका माली नुकसान हो सकता है। अपने प्यारों के साथ किसी किस्म की लड़ाई झगड़े या तलख कलामी से बचने के लिए अपने आप को पुरसकून रखना जरूरी होगा। अगर आपने सफर का मंसूबा बना रखा है तो उसे मनसूख कर दें, वरना कई मुश्किलात या रुकावटें पैदा होने से माली नुकसान और जहनी अजियतें जन्म ले सकती हैं। असल में आप अपने तय करदा या मुंतखब करदा रास्तों की दुश्वारियों से खायफ हैं और शायद आप ये भी चाहते हैं कि आपको जिम्मेदारियों का बोझ ना उठाना पड़े। राइट, और देखें जरा हमारे शो के दौरान ही सारे जो है ना सारे काम होते हैं। आवाज़ आ रही होगी आपको और बर्दाश्त कर लें आवाज़, ये जो और ये जो हथौड़ियों की आवाज़ आ रही है ना, कर लें बर्दाश्त इसको। चलें जी, 03216603033 से नंबर टू कॉल आएंगे नए नवेले कॉलर्स। ठीक है ना, जो लोग एक दो बार कॉल कर चुके हैं वो कहेंगे ना हम तो नए हैं, तो ये होशियारी नहीं करनी मेरे साथ, पहले बता रही हूँ। और 03216603033 से नंबर टू कॉल, सिर्फ और सिर्फ नए नवेले लोगों को आज हम देंगे मौका। एंड अच्छा जी, ये कौन ऑन करेगा, कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें जी, हम दूसरी कॉल को शामिल करेंगे फिर अगर कोई और दूसरी कॉल आ गई है। चलें जी, लेट्स सी और क्या हो रहा है, आज कॉल क्यों ड्रॉप हो रही है, नहीं हो गई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अंकल की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है मुझे, क्या हो गया अंकल? एक मिनट जरा अंकल, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ जी जी अंकल, फरहान भैया कैसे हैं? फरहान भैया बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए अंकल कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपकी दुआओं से अल्लाह का करम है। चलिए जबरदस्त हो गया, क्या बात है। हाँ जी अंकल, क्या कहेंगे? और भाई सबसे पहले मैं ये कहूँगा सभी गुन्ने लिसनर्स को सलाम। सही है, ठीक है। अरे ओ गुन्नो, मॉर्निंग वाइफ आपका घर है, आया जाया करो, आया जाया करो। ठीक है, हाँ ना, इनका घर है तो आएंगे जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, ये भी तो। हाँ जी अंकल। अरे गुन्नो आवाज दो, तुम कौन सी नगरी में छुप गए हो? खैर है, कोई नहीं, सही है। हाँ और बताइए। अच्छा, अंकल
हाँ जी। अच्छा मेरी बिटिया, आपने मुझे ना 27, 28, 29 और 30 सितंबर के शो भेज दिए जी, जो मैंने देख लिए, सुन लिए, चारों सुन लिए अंकल। मैंने आपको चार के चार सुन लिए अंकल पूरे शोज। हाँ, इसका मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग जवाब भी दे दिया। अच्छा चले, मैं चेक करूंगी। वो मुझे पता था आपसे, आपने चेक नहीं किया। नहीं चेक किया अंकल, वो आप जल्दी सो गई थी मैं रात में, पता है आपको। अच्छा, वो 30 तारीख को शहनाज बैंक की कॉल आई थी, जो मेरी कॉल पे इन्होंने कुछ जवाब दिया था लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, तो अगर हो सके तो शहनाज बैंक से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अब आएंगा जब कॉल पर आए हैं तो वो अपने एरिया का नाम जरा बता दें। अच्छा ठीक है, बस पता नहीं बताए, सिर्फ एरिया का नाम बता दें। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, एसएम रजा साहब जो है और ये अनवर भट्टी जी, इनकी कॉल तो इतनी खूबसूरत होती है कि मेरे पास अल्फाज नहीं मिलते। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मुझे अल्फाज नहीं मिलते। सही है, ठीक है। आपने भी, आपके पास भी जवाब नहीं था, आपने भी कहा था अरे अरे सुनता हूँ एक एक लफ्ज, पता है आपको, पता है आपका शो जब मैं सुनता हूँ ना, अपनी दोनों आंखें बंद कर ले। अरे क्या बात है। और आप देखें, अगर गौर से सुनना चाहें, किसी भी चीज आंख बंद कर ले, आपको एक एक लफ्ज जबर जबरदस्त सब समझ में आ जाएगा। अच्छा सही। अच्छा अंकल एक बात बताएं, चलिए आज ना आपसे टॉपिक पे बात करते हैं। ये बताएं कि अगर जब हम किसी की कदर करते हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम उसकी कदर करते हैं, या अगर कोई और हमारी कदर करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई में भाई बंदे के दिल में तो बड़ी हमारी कदर है, हमें पता ही नहीं था, हम गलत समझ रहे थे। वो उनकी गुफ्तगू से पता चल जाएगा, गुफ्तगू से पता चल जाता है। सही है। जब आप इनसे गुफ्तगू करो ना तो इनकी आंखों में देखो, पूरा इनकी आंखों से कहीं नहीं आता है। अच्छा, इनकी आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू करें और वो क्या कह रहा है, दोनों कान बिल्कुल खोल के सुने एक एक लफ्ज को, वही पता चल जाएगा कि बंदा कितना सही है, कितना गलत है, कितने पानी में जा सकता है। सही है। वाह अंकल क्या बात है। सही है, ठीक है, सही है, ठीक हो गया। और अच्छा, अच्छा मसूद अहमद साहब ने कहा था फजूल वाणी, कमेंट में लिखा था, तो आपने कह दिया ये क्या, तो भाई मसूद अहमद साहब ने जवाब भी दे दिया कि मधुर वाणी का मतलब होता है मीठी जबान। जी जी, ये मधुर वाणी जो है ना, ये हिंदी जबान का लफ्ज है। ठीक है। अच्छा, वो एनी साहिबा कहाँ गायब हो गई है? एनी साहिबा आ जाएंगी, मेरे ख्याल से खामोशी से सुन रही होती हैं वो। नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा है वो अपने क्या नाम है, आबिद अनवर हैं। आबिद अमीर के लिए बिरयानी। अच्छा, बिरयानी बना रही हैं, तो फिर बहुत सारी देग बना रही होंगी, तभी इतनी सारी देगें बनाने में टाइम लग रहा है ना। हम सब तो भूल गई हैं, ऐसे थोड़ी चलता है ना, ऐसे थोड़ी चलता है ना। सही है, सही बात है, बिल्कुल ऐसे तो ऐसे थोड़ी ना होता है। इन्हें इन्हें दावतनामा भेज दो भाई, कहाँ हो आ जाओ। अच्छा सही है। हाँ, इनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है। सही है, ठीक हो गया। और आप सुनाओ, क्या सुनाओ अंकल, क्या सुनेंगे बताएं। अच्छा, दूसरा ये है, जब ये 30 सितंबर का शो बिल्कुल एंड पर था, उस वक्त आपने काका की ना, काका के खान खींचे थे। देखे, सही बोला था ना मैंने। अच्छा, तो उसी दिन फर्स्ट कॉल भी मेरी थी और लास्ट कॉल भी मेरी थी, ये भी मेरा एक रिकॉर्ड हो गया। क्या बात है अंकल, बस आपकी तो क्या बात है ना। तो ये काका की जब आपने कान खींचे ना, तो मुझे लगा ये कि मेरा साथ में थी, वो भी हंस पड़ी थी। सही बात है, गलत है? हाँ, सही है, सही बात है, गलत है? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। आंखें बंद करके सुनने से ये फायदा होता है कि जीर जब पेस्ट का भी पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगर आप अपने हाथ से एक आलपीन को नीचे गिराएंगी ना, तो वो भी मुझे पता चल जाएगा। क्या बात है अंकल, वाह, ये होती है मोहब्बत, और कोई बात नहीं है बिल्कुल, इसमें बाकी कोई करामत नहीं है, बिल्कुल ऐसे मोहब्बत की सारी करामत है। ऐसे ही अंकल, ऐसे ही है। अगर मोहब्बत होती है ना, तो इंसान पथरीले नहीं
पहाड़ों वाले रास्ते पास करके उबूर करके अपने यार से मिल सकता है। क्या बात है अंकल, वाह। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है, दुरुस्त बात है ये। तो भाई मैं अपने सभी जो यार हैं मॉर्निंग वाइफ के, जैसे के मेरे बड़े भाई हैं ऐसे मिल जाओ, और ये उस्ताद हैं, क्या नाम है, रमजान मलिक साहब, और ये अनवर भट्टी साहब, भाई इन सबको मेरा दिली सलाम। वालेकुम सलाम। हारून साहब ने मुझे याद किया था। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई इनसे ना मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ हारून अंकल से जी। अरे नहीं अंकल, कोई बात नहीं, हो जाता है, चौके ना। नहीं नहीं सुने मेरी बात, मेरी बात सुने ना। अच्छा चलो सुना। हारून अंकल को पता चल जाए थोड़ा। वो मैं हारून अंकल से, हारून अंकल जो है ना वो मॉर्निंग वाइफ के अंकल है, मेरे तो भाई है। मैं उनसे दोनों हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। जब बाजोड़ गए थे ना उस वक्त इन्होंने कॉल की थी, और आपने कहा, इन्होंने कहा था कॉल के हमको यहाँ रेडियो सुनने में नहीं मिलता, तो भाई उस वक्त से ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको सलाम करूँ, इनको याद करूँ, लेकिन बस इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, वो मुझे याद ही नहीं आ रहे थे। तो मैं माफी चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ वो मेरे बड़े भाइयों के या छोटे भाइयों के मुझे सच्चे दिल से माफ कर। अरे अरे यार अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हारून अंकल आ जाएंगे तो फिर वो बता देंगे क्या है क्या नहीं है, है ना। और आखिर में जाते जाते साबिर भाई और ये दूसरे कौन है नाम, एक तो मुझे याद, मोहसिन, मोहसिन भाई। हाँ साबिर भाई, साबिर भाई कब शो करते हैं ताकि मैं उनको कॉल तो कर सकूं? नहीं साबिर भाई अभी फिलहाल शो नहीं करते हैं, शो नहीं करते अभी, नहीं करते, जब वो करेंगे तो हम जरूर अनाउंस कर देंगे। अच्छा, तो साबिर भाई और मोहसिन भाई के लिए मैं एक गाना आपको कह रहा हूँ, आप उनको डेडिकेट कर दें। हाँ जी। लेकिन उसमें आप पहले ये देखें कि भाई वो क्या बोलते हैं, कॉपीराइट तो नहीं है? कॉपीराइट तो नहीं है। हाँ। क्योंकि ये प्राइवेट गाना है। अच्छा। ये गाना प्राइवेट है। कौन सा? और ये दिमाग से निकल गया, अब ये कॉल बंद हो जाएगी। ये नजर सुल्ताना ने गाया है। अच्छा, कौन सा गाना नजर? हाँ। सुल्ताना का मैं जाने जा लिखूं या जाने इमा लिखूं। अच्छा। मैं जाने जा लिखूं। हाँ। या जाने इमा लिखूं, नैयर सुल्ताना और ये प्राइवेट सॉन्ग है। चले ठीक हो गया, चले अंकल जबरदस्त हो गया, चले मैं जरूर, अगर हो सके। हाँ। हो सके तो यूट्यूब पे मत चलाना, रेडियो पे चलाना। सही है, ठीक है, चले जबरदस्त हो गया अंकल, ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरी बिटिया। बहुत शुक्रिया, आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आमीन, नासिर, अल्लाह आपको हर कदम पे कामयाब करे। आमीन। और खुशियां खुशियों में रखे, और आप सदा खुशियां बांटती रहें, और आपके दुश्मन जलते रहें। चले जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पीएम अनिल, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो दुश्मन तो वो होंगे ना कि जिन्हें मैं मानूंगी कि वो मेरे दुश्मन है, मैं मानती नहीं हूँ। सही है ना? इसलिए ओफ, क्या कर दिया मैंने ये। अपना फोन क्यों गिरा रही हूँ मैं। चलें जी, देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो राबिया, क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? शो चल रहा है। शो चल रहा है, अच्छा ठीक है। और घर में काम चल रहे है, यही बात है। अच्छा, घर में काम चल रहा है, चलो ये तो जबरदस्त हो गया। मेरी आवाज बड़ा इको आ रहा है ना, एक मिनट रुकना जरा राबिया, मुझे ये चेंज ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हाँ आप बोलो। हाँ जी आप बोलो। हाँ तो क्या कहोगी, टॉपिक सुना, लड़की शो सुन रही हो? अभी जब अंकल की तारीफ सुनना शुरू किया है। अच्छा, और नंबर मिला लिया फौरन? पता नहीं कोई कोई ऐसे टॉपिक है, चेयर किस बात से होती है, किस चीज से? यही ना, क्या चिड़ किस बात से होती है? हाँ ये बताओ ना, किस बात से चिड़ होती है? ये ना, जब मुझे कोई बोलता है ना कि आप एफएम ना सुना करो, एफएम ना सुना करो। जी ये इससे मुझे बहुत, मतलब मेरे कुछ अजीब सही लगता है मुझे। ये तो चुड़ना भी चाहिए, चुड़ने वाली बात है ये। क्यों मेरी अपनी कान है, अपने मोबाइल है, उनको क्या है उन लोगों को? तुम्हारे कान खर्च हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे किसके? सही है, ठीक हो गया। और दूसरा बता दो, दूसरा भैया आप कैसे लोगों की कदर, मतलब अगर आप किसी की कदर करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप वाकई में किसी की कदर करते हैं? बस जैसे अंकल ने कहा वैसे, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, आप सब अंकल की बातों को रिपीट कर लो आके। चलो ठीक है, रिपीट तो नहीं कर सकती मैं उसी तरह जैसे वो बोलता है। चलो सही, और इसके अलावा क्या कहोगी राबिया?
और शो अच्छा है। चलो जबरदस्त, बहुत अच्छा है बस ये। हाँ बहुत शुक्रिया, जबरदस्त हो गया। हाँ और आप सुनाए। मैं क्या सुनाऊँ, क्या सुनोगी? गाना सुना दे। गाना सुना दूँ? अच्छा जी यार, एक दो वो वाला। हाँ कौन सा वाला? नींद ना आए वो वाला, अभी आपने वही सुनाना है। नींद ना आए कौन सा? नींद ना आए, यार बहुत मुश्किल गाना है, मुझसे नहीं गाया जाता, नाक से आवाज निकलती है। तेरे बिना दिल घबराए, तेरे बिना नींद ना आए, तेरे बिना। सही है? हाँ अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो बहुत शुक्रिया आपका भी। हाँ और सबको सलाम, अंकल को भी। चलो वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अमीर भाई को भी सबको सलाम। और क्या बोलो, मैंने चार मिनट पूरे करने हैं। चार मिनट पूरे करने हैं? अच्छा तो फिर और भी बात बता दो किसी को। ये ना, हाँ तो ये बताओ। अच्छा तुम तो फेसबुक व्हाट्सएप इस्तेमाल ही नहीं करती, तुम्हारा तो मसला ही नहीं है। लो फेसबुक व्हाट्सएप तो इस्तेमाल नहीं करती हो ना आप? नहीं तो बस आपका तो मसला ही नहीं है। हाथ लग जाते हैं बस, करती हूँ नहीं तो मैं खुद ही नहीं करती। चलो लो, आपका तो मसला ही नहीं है फिर तो। वो तो उन लोगों के लिए मसला था जो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मसला था। चलो खैर, और चलो जाते जाते इसके अलावा कुछ कहना है? और मैं ना गांव जा रही हूँ, आपको पता है? गांव जा रही हो? क्यों जा रही हो गांव? ना जाओ तुसी, ना जाओ। मैं तो जाऊंगी। अच्छा कब जाओगी ये बताओ तुम? अपने गांव की कोई खास बात बताओ ना, पहले ये बताओ गांव का नाम क्या है ये बताओ। बाजोड़। बाजोड़, अच्छा कोई गांव की खास बात बताओ, चार मिनट पहले हो जाए इससे पहले। हाँ। जल्दी जल्दी बता दो गांव की खास बात, कोई एक खास बात वहां पर जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। खास बात यही है कि गर्मी नहीं होती, बस बारिश होती रहती है, अच्छा मौसम होते है वहाँ पर। गर्मी नहीं होती? वाह क्या बात है। गर्मी नहीं होती, बर्फबारी भी होती है उधर। अच्छा लेकिन अब तो नहीं होगी, लेकिन बारिश आजकल बहुत हो रही है। अच्छा ठीक हो गया भाई, क्या बात है, मौसम एंजॉय करना है फिर तो वहाँ पर जाके तुम जबरदस्त। लेकिन शो सुनूंगी फेसबुक। हाँ शो फेसबुक पर सुनती रहना, बता रही हूँ मैं, ये नहीं छोड़ना। कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें जी बैक टू बैक कॉल्स को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, कौन? वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। नाम बताइए। मरियम बलोच। मरियम बलोच, मरियम पहली बार बात हो रही है आपसे? जी बिल्कुल, काफी अच्छे से चल रही हूँ, आपको पूरा एक साल हो चुका है। अच्छा अरे वाह, मरियम कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप बताओ आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मजे में हूँ। हाँ जी मरियम क्या कहेंगी जी आपसे? मैं टॉपिक के हवाले से बात नहीं करूंगी, मैं वैसे आपको आपसे बात करना। चलो मुझसे बात कर लो। बताओ आप ही, आपका आपके एक्सीडेंट के बारे में सुना, मुझे बहुत बहुत मुझे दुख हुआ। हाँ ठीक है हो जाता है, ठीक है जी। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम है। आप लोगों ने, आपने दुआ की थी ये बताइए। जी बिल्कुल, बस तो बस फिर मुझे क्या होगा जब आपने दुआ कर दी तो, है ना? और बताइए क्या चीज प्ले नहीं करती? बलोची सॉन्ग। बलोची सॉन्ग बताओ, चलो आज बलोची सॉन्ग प्ले करती हूँ। ऐसे कहीं समझ ही ना आ जाए मुझे। कोई ऐसा सॉन्ग बताओ जो बहुत कॉमन हो, सबने सुना हो, ऐसा कोई बलोची सॉन्ग बताओ। आपकी एक है हिना, हिना, हिना है। हिना है? हिना? हिना? हिना है। अच्छा ये वाला ये सॉन्ग है, चलो देखते हैं। शाहजहां दाऊदी का है, गुलूकार है शाहजहां दाऊदी। अच्छा ठीक है, चलिए तो कुछ और ही आ गया। चले मैं कोशिश करती हूँ ये वाला मिल जाता है ट्रैक तो मैं प्ले करती हूँ, वरना मैं कोई और बलोची ट्रैक जो है ना, बल्कि आ गया है। सही है, क्या बात है, वाह फरहाना वाह। मिल गया मुझे, चले मैं इसको जाते जाते प्ले कर दूंगी। ठीक है आप रेडियो पर सुनिएगा। जी जी बिल्कुल।
सही है मरियम, और कुछ कहना चाहेंगी? चलें, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ चलें जी, ठीक है। चलिए जी, मैं एक कॉल को शामिल करती हूँ, उसके बाद कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे और कॉल्स को ब्रेक देंगे, ठीक है? सो देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हारून अंकल, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है अब? तो अंकल से मैं यही कहना चाहूँगा कि अंकल आप माशाल्लाह से बड़े हो हमारे, काफी उस शख्स से मानी जाती है कि जो कोई गलती कर ले या कोई बात करे, आपने या मैंने कोई भी गलती ऐसी नहीं हुई है, आप हमारे बड़े हो, अल्लाह आपकी इज्जत दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सलामत रखे आप, ठीक है? ये छोटे मोटे तो मसले हैं, ये तो होते रहते हैं, बाकी हम लोग जो है बाग के माली है, उसमें हर किस्म का फूल, हर किस्म के पौधे, उसको संभाल के चलना है हमने, क्योंकि हम अगर ये बड़े बुजुर्ग अगर इस तरह की गुफ्तगु या कोई ऐसी बात हमारे मुंह से निकल जाती है तो फिर वो पूरा बाग खराब हो जाता है। तो अल्लाह ताला मेरे ऐसा रजा साथ है उनके लिए, तो कड़ी पता नहीं वो जाले पड़ जाएंगे उसमें, तो वो तो पता नहीं कब मुलाकात होगी, जाले हो जाएंगे उसमें, तो अल्लाह उनको भी खुश रखे। और मेरे एक अजीज साहब है वो भी आजकल नहीं आ रहे हैं, पता नहीं बीमार हैं, ये क्या मसला है उनके साथ। और बाकी जो मेरी बच्चियां हैं, मेरी बेटे हैं और सऊदीया इटली वाले जितने मेरे भाई हैं, और वो है भट्टी साहब, उनको भी मेरी तरफ से दुआ सलाम के आते हैं, तो वो कहते हैं दिल के तोते, तो मैं भी उनको कहना चाहूंगा कि ये जितनी भी है पूरी काबीना है हमारी, काबीना सब हमारे दिल के तोते हैं ये जितनी भी है, सही है। और मेरे अंकल हो गए, ये अपना वो खुशी खुशी जो आती है वो सबको उदास करके चली जाती है मेरी बच्ची को। वो अभी एक आई थी, वो भी जा रही है बाजेवाड़ा पेशावर, तो अल्लाह उनको भी खैरियत से पहुंचाए, अल्लाह ताला खैर से वापस लाए उनको, आमीन। क्योंकि मेरा भी क्वाट का इलाका है, मैं भी क्वाट का रहने वाला हूँ। क्या बात है, मैं ये रेडियो सुनने की वजह से मैं क्वाट नहीं जा सकता। अच्छा, क्योंकि वहाँ ये मसलियात आती नहीं है। इंटरनेट पे तो आप सुन सकते हैं, अगर किसी के पास इंटरनेट हो वहाँ पर तो आप उस पर सुन सकते हैं। इंटरनेट तो क्या वो सबके पास आजकल वो डब्बे हाथों में पकड़े हुए हैं, लेकिन मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, क्योंकि रेडियो मेरी अपनी चीज है। सही है। और टच वाले जो मोबाइल है वो दूसरे की चीज है, उसको मैं बोलूँ की मेरे लिए ये प्रोग्राम लगा लो तो 10 नखरे उसके। सही बात है, उससे बेहतर है बंदा बोलने से ही जुरेस करे तो ज्यादा बेहतर है। सही है। तो फिर मैं हसन रजा साहब को फिर मैं वही कहूँ कि मैं तेरे शहर में ढूंढ का के रहा हूँ, मुझको आवाज दे, अल्लाह ताला खुश रखे और अल्लाह आपके वालिदैन को आपका साया सलामत रखे, आमीन सुम आमीन, और अल्लाह आपको जिंदगी दे इस तरह अच्छे प्रोग्राम करने की, और मेरे जितने भी मित्र हैं बड़े प्यारे हैं बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह सबको परेशानियों दुखों से और बीमारियों से बचाए, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन। अल्लाह बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।
सो चलें जी, अभी हम जो है वो क्या करेंगे, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, ठीक है? जब तक हम कॉल्स को जरा सा देते हैं ब्रेक. और कमेंट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं. मोहसिन लियाकत कहते हैं कि हैप्पी टीचर्स डे, मिस यू माय टीचर्स. मिस नौरीन, नहीं आप जैसी कोई सच में चराग लेके भी नहीं मिलेगी. ज़बरदस्त हो गया. साथ साथ कौसर शहबाज कहते हैं, अरशद महमूद की आवाज़ में गाना सुनवाएं, हो सके तो मेरा एक काम करो. हो सके तो मेरा एक काम करो. क्या काम करें? लियाकत अली कहते हैं कि हाय आबी, कैसी हो? मैं लियाकत अली घोटकी से चैलेंज. ज़बरदस्त हो गया. बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ. ओके, आबिद अमीर कहते हैं कि 3800 का भरा था लास्ट टाइम बिल, और अगला बिल जो है वो 34000 इजाफी था. और ख़ुद ही क्या कहते भी हैं कि क्या इतना कैसे अच्छा ना करें. अली हसन, बट बहुत शुक्रिया. फैजलाबाद से सुनते हैं शाहनवाज जरदारी हाय कहते हैं. आगा रफीउल्ला कहते हैं कि क्या हुआ सनम. चलें जी, बहुत शुक्रिया. गाने आपने गाने के बोल लिखे हैं ऑफकोर्स. बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब, थैंक यू सो मच. आबिल पेंटर यानी कि कनीज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी. मैं कनीज, आप कैसी हैं? फरहाना जी, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन, लव यू. बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ. और दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया. शाहनवाज जरदारी कहते हैं आप मुझे अपने शो में शामिल कर दो. पढ़ तो लिया कमेंट, और कैसे शामिल करें. साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं जो फैसला लेने में देर करता है वो फैसलाबाद ही में होता है. अच्छा जी, मीर हसन खोसो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अली हसन, बट बहुत शुक्रिया. आबिल पेंटर यानी कि कनीस कहती, हाँ जी मैंने शामिल किया, आपने दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया. प्रिंस सलमान वीर कहते हैं नाइस शो, थैंक यू सो मच. और अली हसन कहते हैं खुश रहो बेटा, आरजे सैयदा फरहाना अली. जब हो जाती है ना तो फिर ऐसे होते हैं. काशिफ अली वाली कहते हैं कुछ दिन से फराज भाई और ज़ियाउल्लाह की इज्जत नहीं सुनी, हम दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं, अब तो आ जाओ फराज भाई. हाँ तो ये लोग ऐसी बात करें ना फिर देखें हो जाती है फिर इनकी. अदीक रहमान बहुत शुक्रिया हाय कहते हैं. शाबेक मक्सी कहते हैं कि नाइस शो विलेज सदरों मक्सी खान सिटी से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मुस्तफा साहब कहते हैं मैम हम आपकी सूरत, आपकी सीरत, आपके अंदाज के मद्दा हैं, और ये भी महसूस करते हैं कि गर्ल्स टीम को आपकी आप क़यादत कर रही हैं, कर रही होंगी. लड़के राह से कतरा के आए, आए बाएं दाएं हो जाते हैं होंगे, बाकी हकीकत तो मदीहा अंबर और सदफ को पता होगा. ओके हाँ. साथ साथ मेरा गला जो है ना आजकल बड़ा. शहजाद अहमद कहते हैं कि हाय बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आबिद अमीर कहते हैं फरहाना सुना दें आपकी मधुर वॉइस में, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए है. ये कौन सा गाना है? पहले मैं सुन तो लूँगा ना, तभी तो सुनाऊंगी अपनी मधुर आवाज़ में. मोहम्मद नासिर कहते हैं अगर हमें कोई कहे कि चलो भाई तुम्हें कुछ खिला दें तो हम उसकी कदर करते हैं, उसे कहते हैं कि चलो भाई जैसे तुम्हारी मर्जी. सही है, दैट्स नाइस. अच्छा जी, अली हसन बट कहते हैं टॉपिक नो कमेंट एंड नो इंटरेस्ट बड़ी फ्रॉम फैसलाबाद. चलो फिर तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? भाई लाडला कहते हैं फरहाना हर दिन कैप्रिकॉर्न को छोड़ देती है आप. ये देखें जरा, कैप्रिकॉर्न मेरा अपना स्टार है, फिर भी मैं कैप्रिकॉर्न की बात नहीं करती. फैजान फैजल कहते हैं कि देखें कितनी सेल्फलेस हूँ. अपनी तारीफ अपने मुँह से. अच्छा जी, फैजान फैजल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? हस्ती बहुत अच्छा है आप. चलें जी, बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. और साथ साथ हैं गलत नंबर लिखा है ये आपने, अली हसन बट 021 नहीं 0321 है, ठीक है. और फैजान फैसल कहते हैं कि टॉरस का बता दें, मैंने अभी ट्यून किया है रेडियो. टॉरस का हम बता चुके हैं, दोबारा रिपीट करना ज़रा मुश्किल होता है. और मसूद अहमद साहब कहते हैं माधुरी मैम ये आप ही के शो के दौरान क्यों मिस्त्री लोग छेनिया तोड़ा लेकर आ जाते हैं? इन्हें आप अपनी लाल आँखों क्या अपनी लाल आँखों नहीं घूरती ताकि डर के भाग जाए. मेरी आँखें लाल हैं ही नहीं, पहली बात तो ये सही है ना. तो चलें काम करने दें उनको, क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे. सो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रमजान मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का एहसान है आपको. अल्लाह खुश आमदीद कहता. बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत खुश आमदीद. बहुत धन्यवादी और तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम पहुंचे. वालेकुम अस्सलाम. बड़ा जबरदस्त था. हाँ जी, यहाँ तो गटर का ढक्कन जो खुलता है उसमें उसका दोबारा ढक्कन लगाने के लिए उसमें गिरना जरूरी है.
तब जाकर गटर का ढक्कन लगता है। तो ये कदर के बारे में तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आप किसी को बावर नहीं करवा सकते कि मैं आपकी कदर करता हूँ, क्योंकि अब माहौल ही ऐसा चल रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है कि विश्वास साहब से हमने एक दफा सुना था, वो फरमाया करते थे कि अगर आप किसी की मोहब्बत और कदर को जानना चाहते हैं, ये एक ही दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं, कदर है, एहतराम है, इज्जत है, मोहब्बत की शाखें हैं कि जिनसे आदमी बहुत ज्यादा एहतराम दे रहा होता है, मोहब्बत दे रहा होता है, उन्हीं के साथ ये सारा कुछ किया जाता है। ऐसे ही तो आप किसी को उसको रखना चाहते हैं तो उसका विश्वास से लेवल ये बताया करता थे कि उसको आप अरूज पे ले जाए, बंदे को ना अरूज पे ले जाए, और अरूज पे ले जाके जो उस वक्त वो बंदा आपको अरूज पे जाके मकाम दे रहा है उसको दोबारा आपके जीरो पे ले आए, जीरो पे ले आए ना। हाँ। तो अगर उस जीरो पे आके भी आपको वो अरूज वाला मकाम दे रहा है हाँ। तो वो बंदा आपके साथ मुखलिस है। क्या बात है, क्या बात है, बात समझा गई आपको? बिल्कुल बिल्कुल समझ गई, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रही मुझे, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि अगर आप एक हद तक, मैं अपनी एक मिसाल, मैं इस काबिल को अपने आप को नहीं समझता लेकिन अपनी ही मिसाल दे देता हूँ कि आप इतने प्यार से इतने एहतराम से गुफ्तगू फरमा रहे हैं मुझसे, और एक वक्त वो है कि आपको मुसलमान सैयद अफरान अली साहब कह रहा हूँ, और एक वक्त वो है कि आप मुझसे अजनबी की तरह बात करें, उस वक्त भी मैं आपको यही अलकाब आपके गोश गुजार करूँ या यही जज्बा आपके गोश गुजार करूँ, तो यानी कि आप इस बारे में जजमेंट कर सकते हैं। लहजे नहीं बदलने चाहिए चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, भी चेंज हो जाते हैं, सारा कुछ चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने लहजे चेंज तब्दील कर लेते हैं तो वहाँ से फिर वो बनावट। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है ना। जी हाँ बिल्कुल, जबरदस्त, ठीक हो गया। तो तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम पहुंचे, वालेकुम अस्सलाम गजर साहब को और दूसरे मिसेस स्वरूप साहबा जी, और सारे ये रौनके हैं आपकी बजम की, जी जी साहब है ऐसे ही, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बजम को लेकर चलते हैं, बजम के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया, और तमाम असातिज़ा को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या खूबसूरत बात कही है रमजान मलिक साहब ने कि हमेशा जो है वो आप एक जैसे ही रहे ना, वाह क्या बात है। सो चलें जी। अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि आज कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे। हाँ वाकई मुझे आपके कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे ज़ियाउल्लाह, अगर नज़र आएंगे तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। ज़ुल्फ़िकार अली खास खैली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कहते हैं लाजवाब प्रोग्राम। और मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम अभी आपने सॉन्ग गुनगुनाया, अब शाज़िया जाग जाएगी और कॉल पर आएगी तो सॉन्ग सुनाएगी। हाँ बिल्कुल जी, ज़रूर क्यों नहीं। अली हसन भट्ट कहते हैं कि चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और जालो खान कहते हैं कि इंटरनेट नहीं बल्कि इंटर हैं, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं भाई। मसूद अहमद साहब कहते हैं हारून सर की आवाज़ मेरे तक बहुत स्लो आई, मैंने कोशिश तो की यहाँ से मैं आवाज़ बढ़ा दूँ लेकिन वो बोलते ही बहुत स्लो हैं। मोहम्मद इरफान, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कराची बनारस से सुनते हैं, क्या बात है। और अच्छा जी, हमदुल्ला मलखेल कहते हैं कि हैप्पी टीचर्स डे, बहुत शुक्रिया। फरहान अहमद कहते हैं कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे, ठीक हैं, खैरियत से हैं। आबिद अमीर कहते हैं टीचर डे पर मैं हुमैरा को विश करना चाहूँगा, बेस्ट टीचर है मेरी, चले ज़बरदस्त हो गया, क्या बात है। और काशिफ अली मलिक कहते हैं कि कुछ दिन से फराज भाई और ज़ियाउल्लाह की इज्जत नहीं सुनी, हम दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं। मुदस्सर मलिक कहते हैं हाय बाजी, बहुत शुक्रिया। नवाब रक्षानी कहते हैं कि हाय, थैंक यू सो मच। खालिद भाई कहते हैं कि सलाम, बहुत शुक्रिया हैं खालिद भाई। आईडी का नाम ही रखा है। अनवर जावेद भट्टी साहब भी आपको चुप कर सुनते हैं, अभी खुशामदीद कर दें, चलें जी। अनवर जावेद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, खुशामदीद आपको शो में। और साथ साथ नवाब रक्षानी, हाउ आर यू। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि लोग गाना सुना देने की बात करते हैं तो ये लड़की खुद से गाना गुनगुनाने बैठ जाती है ताकि फिर मुझे उनको गाना ना सुनाना पड़े। यही बात है, सही, आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं, ऐसी बात है। जाहिद आकाश कहते हैं कि सब खुश रहा करो दोस्तों, ना जाने कब शादी हो जाएगी। अच्छा जी, जाहिद आकाश कहते हैं अभी मेकअप थोड़ा किया करें, अरे मेकअप तो आज मैंने किया ही नहीं है।
और मेकअप मैं कम ही करती हूँ, वैसे मुझे कोई शौक नहीं है 2 किलो बेस लगाने का अपने मुंह पे, और क्योंकि मुझे अपने स्किन से बहुत प्यार है। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम मैं तो परचम में फरहाना को लहराते हुए सबसे कहता फिरता हूँ, अगर किसी में जिंदा दिली का फुकदान हो तो वो आरजे सैयदा फरहाना अली मैम का शो ज़रूर सुने। अरे वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब, थैंक यू सो मच। और जाला खान कहते हैं कि लेकिन आजकल ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं, मिल जाते हैं ऐसे लोग, आपको नहीं मिलेंगे तो क्या हो गया। फैजान फैसल कहते हैं कि ओके कोई बात नहीं जी, बिल्कुल हारून सर ने सही कहा, हाँ जी बिल्कुल सही कहा, चलें कॉल को भी शामिल कर, कॉल ड्रॉप हो चुकी है जिसकी भी थी, और बैक टू बैक कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स को शामिल करते हैं 03216603030 नंबर टू कॉल। तो चलें जी देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर, एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप हफीज बात कर रहा हूँ। हफीज आपसे कल बात हुई हमारी, जी पहले कल तकरीबन 1.5 साल बाद कल बात हुई, कल बात हुई है ना, तो इसलिए आज हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं, ठीक है आप जो है वो थर्सडे को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहिए सलामत रहिए। और जो लोग कल कॉल कर चुके हैं प्लीज़ कॉल ना करें, चाहे आपकी पहली बार क्यों ना मिली हो कॉल, ताकि आज उन लोगों को मौका मिले कि जिनकी कभी कॉल नहीं मिली, ठीक है ना। सो चलें जी कॉलर को उठाते हैं, कॉलर को उठाते हैं, कॉल उठाते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बेटा मैं दोबारा आ सकता हूँ, गाने के बोल मैंने गलत बता दिए हैं। अच्छा बता दें अंकल, जल्दी से बता दें। मैं आरजूए जान लिखूं या जाने आरजू। अच्छा मैं आरजूए जान लिखूं, ठीक है। मुनव्वर सुल्ताना, मुनव्वर सुल्ताना, नैयर सुल्ताना नहीं, नैयर सुल्ताना नहीं है, मुनव्वर सुल्ताना। चलें ठीक हो गया, ना गलती हो गई, खता का पुत्र। चलें कोई नहीं अंकल, ठीक है ना, चलें लाफेज लाफेज फीमालिल्लाह, ओके। और साथ ही साथ अच्छा जी कहाँ तक चले गए कमेंट्स, एक तो कमेंट्स सारे आगे पीछे हो जाते हैं, चले मैं एक कॉल को शामिल करती हूँ उसके बाद कमेंट्स को शामिल कर काशिफ अली मलिक करें तो आधा आधा किलो लगा लिया करें वो भी मेकअप। चलें जी देखते हैं कौन है वैसे लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अरे कॉल मिल गई है, कौन है यार, खामोशी खामोशियाँ अल्फाज हैं इन्हें सुनने तो आओ कभी, खामोशियाँ एहसास है। भाई कौन था ये खामोश इंसान। अच्छा जी चले एक मजीद मैं कॉलर को शामिल कर लेती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अरे वाह रजा साहब क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है बेटा। आपकी आवाज चेंज लग रही है, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं बेटा तबीयत सही नहीं थी, मेरी अभी आँख खुली है तो अंकल की आवाज सुन के मैंने कॉल मिला। चलें चलें अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। हाँ जी आज क्या टॉपिक चला रहे हो? आज टॉपिक ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमारी कदर करता है। हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही है बेटा कि बेकदरों की कदर की जाती है, कदरदानों को बेकदरा कर देते हैं। हाँ, सही बात है। वजह ये है कि बेटा जितनी भी किसी ने कितनी ही बुराई क्यों ना हो, अगर उसको आपने गले लगाकर उसको अच्छे अखलाक के साथ जीना सिखा दिया तो आपने एक इंसानियत की कदर की। सही है। और जितने भी अखलाक और इंसानियत से भरपूर इंसान को आपने गला लगाया तो कदर नहीं की, बल्कि आपने अपनी स्टेटस को और अपनी अफादियत को जताने के लिए कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं गले लगाता हूँ। सही है। तो ये जो आंसर है ना, ये आंसर बिल्कुल मेरे हिसाब से तो समझ में मुझे नहीं आता। कदर हमेशा कदरदानों की होती है, जो आप किसी की कदर करोगे तो लोग आपकी भी कदर करेंगे। क्या बात है क्या बात है। तो ये है सारा मसला। और आज मैं 5 तारीख है कल बना जी जी, तो और 9वां महीना कल खत्म हो गया, 10वां है। बिल्कुल जी ऐसे ही है। ठीक है बेटा जी जी। तो 2 साल की काविशों का नतीजा ये मैंने देखा है कि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा बड़ा एहतराम किया, अल्लाह उन सबका भी एहतराम कराए और सबको मोहब्बत और जिंदगी के साथ जिंदगी बसर करने की
मेरी तो यही दुआ है कि उन सबको उससे ज्यादा मोहब्बतें मिले, पर आज से मैं अपनी मोहब्बत के सारे जौहर सब पर लुटा कर एफएम से खुदा हाफिज करना चाहता हूँ, रुख्सती लेना चाहता हूँ। क्यों भाई आप कहीं जा रहे हैं? नहीं बेटा जा नहीं रहा हूँ, रहूंगा यहीं पे। पर आपने कदर बेकदर की जो बात की थी ना वो ये की है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कल क्या नाम है MGY के प्रोग्राम में मेरी लाइट कटी। कई मरतबा ऐसा हुआ है समझे, और फिर क्या नाम है 3 मिनट 4 मिनट और 2 मिनट की कॉल है, तो बेटा इतने में हमसे गुफ्तगु नहीं हो पाती। हम बहुत कुछ सोच समझ के लफ्जों को जमा करके चाहते हैं कि हम कुछ नए लफ्ज से लोगों को आशना कराएं। अब घिसे पिटे लफ्जों से तो हमारी कदर मंजिलत और खत्म हो जाएगी, तो उससे बेहतर यह है कि किनारा कही अच्छी बात है। इतनी सी बात पे किनारा कर लेंगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है समझे, क्योंकि नहीं इतनी सी बात पे अगर हर कोई किनारा करे ना रजा साहब, तो सारे एक दूसरे से ना लड़ाइयाँ करते हुए रहे हैं सारी जिंदगी दुनिया में, कोई किसी से मोहब्बत ही ना करे फिर। नहीं बेटा मेरे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ मैं सिर्फ इतना जाते जाते भी नसीहत करूंगा कि कभी भी आपसे बड़ा बात करे या छोटा बात करे, ये आपकी मंजिलत और कदर की सबसे बड़ी मेराज होगी कि आप उसे गौर और फिक्र के साथ समझे, सुने और फिर कोशिश करें कि उसमें से कुछ मोती ऐसे निकाल लें और लोगों पर निछावर करके अपनी मेहरबानी का शर्फ में 4 चांद लगा लें। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, खूबसूरत बात, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे बड़े कुशादा दिल के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी मेरे अच्छे या बुरे लफ्ज किसी को लगे हों किसी भी मायने में, तो मैं अला एलानिया कह रहा हूँ कि परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे, और आप लोग से भी मैं मौजबाना दरख्वास्त करूंगा कि मुझे बस दरगुजर कर दीजिएगा, माफ कर। अरे नहीं नहीं क्या हो गया रजा साहब, ऐसी बातें, आप बड़े हैं। नहीं मेरा बेटा बड़ा नहीं है, बल्कि ऐसा होता है कि लफ्ज बड़े होता है और एक होता है दही बड़े, तो आप आगे बढ़े। क्यों मुझे मजाक करवाते हो बेटा? देखें यही तो आपकी ये आपकी असल जो चीज है ना, यही तो है, मैंने यही तो कहा ना, आप इतना भी नहीं करो कि बस अच्छा बाप आगे बढ़े, इससे बेहतर है कि मैं इज्तनाब कर लूं। मेरा बच्चा मैं यकीन अच्छी चीजों से इज्तनाब नहीं करना चाहिए। मैंने देखो बेटा हीना पत्थर पे घिस के रंग लाती है, सही है, तो आदमी घिस घिस के अपने जौहर नायाब का होने का सबूत देता है। अभी आप लोग लफ्जों से खेल रहे हो, जब आप तकदीर से खेलोगे और जब आप मौका और शिनाख्त हो जाओगे, तो फिर आपसे मैं कभी जिंदगी में रहा तो पूछूंगा कि बेटा आओ बताओ जिंदगी किसे कहते हैं। सही है, ठीक हो गया। जिंदगी बेटा तकलीफों का एक अंबार है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, समझे। उमर शरीफ सबसे बड़ा दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है मेरा बेटा, कि अपने दुखों को छुपा कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। सही सही, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं मेरा बेटा, तो मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया कि शायद हो सकता है मैं ना भी आऊं, फिर भी सबकी कदर मंजिलत मेरे दिल में है, अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे। जिस वक्त ये स्विच बटन सही काम करेगा, इस पे से टाइम बम हटेगा, तो फिर SM रजा आएंगे। सही है, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज से मेरी जंग शुरू है जो जिंदगी की आखिरी तक रहेगी। अरे ना करे ना करे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, टाइम बम वैसे हटाया हमने आज, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके हाय, क्या करें यार, देखिए नाराज कहीं और हुए और नजला हमारे ऊपर आगे गिरा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है।
यार रजा साहब क्या किया चलें खैर। अच्छा जी काशीवादी मालिक बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि आधा किलो लगा लिया करें ऊपर मेकअप बस कर दें आधा किलो। और मेरे ख्याल से आजकल तो सनब्लॉक ही काफ़ी होता है, वही लगा लेना आप, वही काफ़ी है बस, यू डोंट नीड टू अप्लाई एनीथिंग। जायद आकाश कहते हैं आप ही पकौड़े बनाने का तरीका बता दो, बस कर दो, तुम क्या मुझसे रेसिपी पूछते रहते हो। मुदस्सिर मलिक बहुत शुक्रिया, कहते हैं हाय बाजी थैंक यू सो मच। दौला खान कहते हैं मेरे कॉमेंट्स नहीं, मैंने आपके शो में कॉमेंट्स की बात की थी कि अच्छा चले जी ओके। साथ साथ जायद आकाश कहते हैं अभी रेडियो और क्या रिद्दू और मुन्नी कहाँ गई, मिला रही होंगी कॉल, मिल नहीं रही होगी, चले देखते हैं कौन है वर्सेस लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मलिक नजीर अवान, कराची पाकिस्तान। जी मलिक नजीर अवान, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज ऐसे ही है या आप बना के बात कर रहे हैं? मेरी आवाज नॉर्मल ही है। नॉर्मल यही है, अच्छा ठीक है जी, थोड़ा सा लाउड बोलिए क्योंकि आवाज आपकी ना कम आ रही है। अच्छा हो सकता है मोबाइल का प्रॉब्लम। अच्छा जरा बताइएगा क्या कहेंगे, सुन रहे हैं शो आप हमारा? जी शो तो मैं आपका रेगुलर सुनता हूँ, आगे मैं बैठता हूँ सुबह 9 बजे को, मैं सबसे पहले ट्यून इन करके अच्छा आपका शो लगाता हूँ। अच्छा ठीक हो गया, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। कितने टाइम से सुन रहे हैं मेरा शो? मैं आपका शो तकरीबन भी कोई 8-9 महीने से सुन रहा हूँ। 8-9 महीने से सुन रहे, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। सो क्या कहेंगे टॉपिक पर? टॉपिक तो मैं ये कहूंगा कि मेरी बात से अगर कोई टोक दे, जिन्होंने किसी से बात कर रहा हूँ और वो मेरी बात कंप्लीट होने से पहले ही टोक दे चिढ़ हो जाती है, तो मुझे चिढ़ हो जाती है। सही है, ठीक है। और दूसरी बात है कदर का जो टॉपिक है आपका, उसमें रमजान मलिक साहब इतनी प्यारी डिफरेंशन दीजिए कि उसके बाद मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? छोटी छोटी बातों पे जब इंसान एक फैमिली का हिस्सा होता है तो फैमिली में बहुत सी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे फैमिली को छोड़ के नहीं जाया जाता। सही, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस टाइम बॉम्ब पे नाराज ना हो और जिस तरीके को फैमिली में रोजाना तशरीफ लाते हैं इसी तरीके को तशरीफ लाते हैं। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, साथ ईमान की सलामती दे, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके अच्छा जी, आबिद अमीर कहते हैं ये तो आपने ना शो की ब्यूटिशियन यानी शाजिया को तंज किया है, आधा किलो में वही लगाती हैं लोगों ना करें। और अभी शाजिया आएगी तो बताएंगे वो आधा किलो मेकअप लगाती हैं या नहीं लगाती हैं। अच्छा जी जायद आकाश कहते हैं आप बहुत अच्छी हैं सच्ची में, सही में सही बताओ सच्ची में अच्छी हूँ। अच्छा जी सही है। आप मेरे कहते हैं यकीन जाने पर हाँ ना, मेरे एक बुजुर्ग दोस्त मुझे अपने दोस्त से मिलवाने ले गए, बड़ी तारीफ की उनकी, हमारे घर गए, इतना हसीन इतफाक से कि वो दोस्त मेरे बचपन के टीचर थे, मतलब सोच है आपकी। मैंने कहा सर आप, अरे सर आप, अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल जी, कभी कभी ऐसे इतफाक़ात हो जाते ना, सो वो इमोशन ही अलग होता है फिर। अच्छा जी काशी वाली मालिक कहते हैं अरे रजा चाचू आप भी ना अली वाली रूह आ गई है क्या, ये गलत है अब आप उनके शो में ना जाना, पर यहाँ पर आपका हम इंतजार करते हैं आपकी कॉल सुनने के लिए, आप ऐसा करेंगे तो हम धरना देंगे, ऐसा करेंगे तो कौन आएगा। आबिद अमीर कहते हैं अरे रजा साहब ऐसा ना करें आप भी, अच्छा जी दोबारा कर दिया आपने। अच्छा आबिद अमीर तो कह रहे हैं पहले तो काशी वाली मालिक ने कहा, ठीक है, कहते हैं कि आप भी ना मुगालते का शिकार होने लग गए और अक्सर मुगालते हो जाते हैं, मुगालतों को सही होना जरूरी है। जाहिद आकाश कहते हैं कि आप ही आप कहीं घूमने भी जाती हो, नहीं कहीं भी नहीं जाती और एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता। और मसूद अहमद साहब कहते हैं कि यार हर वक्त कोई इधर उधर क्या घूमना, बंदा कहीं घूमने वाकई कहीं जाए तो ट्रैवल करने का वाकई हर किसी को शौक होता है, लेकिन जाए तो कहीं पाकिस्तान टूर पे जाए ना, क्या ये सी वी दो दरिया जाते रहेंगे क्या। मसूद अहमद साहब कहते हैं हमेशा एक जैसा कहाँ रहता है, कोई रहता ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते, इंसान के अंदर गुस्सा और हैप्पीनेस दोनों चीज़ पिन्हा है। और क्या लिखा है
थानेदार को कॉमेडियन नहीं होना चाहिए और कॉमेडियन थानेदारी करे तो फिर हो चुकी सही बात है। अच्छा जी, ये क्या नाम है, खिराल, क्या नाम है, खिराल नाम है, क्या नाम है, खिराल क्या नाम है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि कदर की बात करें तो उसमें एक बात ये भी है कि आपसे छोटा आपको आपके आप कह के बुलाता है तो आपसे बड़ा भी आपको आप कह के मुखातिब करे। ये कदर वाली चीज़ है, आई डोंट थिंक सो। ज़ियाउल खान कहते हैं नाराज़गी किसी और जगह की और सारा मलबा मेरे ऊपर, तो आप औरों का मलबा मेरे ऊपर गिरा दें। नहीं है, जिनका मलबा था उन्हीं पर गिराते हैं। सही है, कोई और क्यों सफ़र करे। सही है। मुज़म्मिल अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माफ़ी, मैं फ़र्स्ट टाइम सिंगिंग वॉइस नॉइस, अच्छा वॉइस नॉइस क्या होता है, वॉइस नाइस चैलेंज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ चला गया कॉमेंट, स्क्रॉल हो गए कमेंट में, पूरा पढ़ भी नहीं पाई। कौन था, नाम क्या था, काशिफ अली हमारे कहते हैं जो कॉल पर नहीं बोल रहे वो शाजी बहन तो नहीं थी, कॉल मिलाकर सो गई थी। चलें जी, बहुत शुक्रिया कहते हैं, मैंने सोचा कि हफ्ते की रात को जाने के लिए सस्सी पुन्नू वाली जगह देखकर आना है। ये कहाँ पर है, चलें जी, मे बी ये लास्ट कॉलर हूँ हमारे साथ, अब जो भी कॉलर होंगे, कॉल पता नहीं किसकी थी, ड्रॉप हो चुकी है और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ, इमरान अहमद बात कर रहा हूँ। इमरान अहमद, आपसे बात हो चुकी है ना पहले, कल बात हुई थी आई गेस, या थर्सडे को बात हुई थी, नहीं हाँ पिछले हफ्ते में बात हुई है आपसे, हाँ पिछले हफ्ते में बात हुई, हाँ तो इसलिए आज हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं ना, इसलिए आप ताकि आप फिर थर्सडे को कॉल कर लीजिएगा। सही है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इमरान, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और चैलेंज जी, अब ये लास्ट कॉलर जो भी होंगे देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। और इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, हेलो, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, हेलो, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, नाम बताइएगा अपना, सॉरी मुझे समझ ही नहीं आ रही आपकी आवाज़, क्या आप क्या कहना चाह रहे थे। चलें अब जो भी कॉल आएगी वो लास्ट कॉलर होंगे, चलें मैं ये कॉल को शामिल करती हूँ, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आ गई तुम शाजिया, बिल्कुल ठीक, सो तो नहीं रही थी, नहीं, हाँ, सोई भी थी, हाँ देखा पता चल जाता, तुम सोई भी थी। अच्छा बताओ, और मुझे नींद आ रही थी, अब नहीं सोई, अब नहीं सोई, कैसी हो लड़की, ठीक हो, खैरियत से हो, हाँ ठीक हो, मैं एकदम जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुझसे क्या बातें हो रही है कि मैं मेकअप, ये लोग कह रहे हैं तुम आधे किलो मेकअप लगाती हो, काशिफ अली मलिक ने कहा है ये, मुझे मेकअप पसंद ही नहीं है, मेकअप पसंद ही नहीं है, सही है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सही है, लोगों को पता होना चाहिए कि उस लड़कियां हैं जो मेकअप नहीं करती हैं। वैसे सबकी है, जैसे हम, मैं और हुमैरा, मुझे पहले से ही बिल्कुल भी नहीं पसंद मेकअप, मुझे कहते रहते कि मेकअप किया तो मैं भी हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूं, अच्छा, बाकी मेकअप वही जो फाउंडेशन वगैरह जो थपते हैं मुझे बिल्कुल थपते। सही है, ठीक हो गया, मैं मेकअप नहीं करती, अच्छी बात है, जबरदस्त हो गया, नहीं कभी कभी कर लेना चाहिए, हल्का फुल्का ठीक है, लेकिन वो 2 किलो बेस वाला अच्छा नहीं लगता, लोग फिर ताने देते हैं लड़कियों को कि मेकअप लगा के लगती है तो मैं ऐसी, वरना मेकअप के बगैर देखेंगे तो हम डर जाएंगे, ये और वो फलाने ढमकाने, यू नो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे जो मेकअप वैसा करने की जरूरत नहीं, वो क्रीम है एक बीबी क्रीम कह रहे हैं, बीबी क्रीम वो लगाने से ना फाउंडेशन ब्रांड में बता देना आप कौन सी बीबी क्रीम, ब्रांड नहीं बताना कोई बीबी क्रीम का, हाँ सही है, तो वो वाली लगा लेकिन फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही है, सही कहा आपने, बिल्कुल बस वही कभी कभी लगा लेती हूँ, अगर कहते हैं तो फिर बस हल्की सी लिपस्टिक पर, हाँ सही है, और इसके अलावा इससे ज्यादा और नहीं होता, चलो सही हो गया, और बताओ, मैंने बस गाल भी इसीलिए की थी ये बताने के लिए कि मेकअप नहीं करती मैं, ये बताने के लिए कॉल की थी तुमने, सही है, सही है, देखो काशी वाली मलिक कह रहे हैं कि आटा लगा लेती होंगी, आप मेकअप नहीं करती होंगी, देखें अब इनकी खैर नहीं है, इनको कहा किसने मेकअप, तुम्हारे में आए कैसे, इनको इल्हाम हो गया अपने आप,
चलो ठीक है शाजिया, टाइम हमारे पास जरा कम है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे, सोना मत बस, शो खत्म होते होते। लाफेज लाफेज। चलें जी, कॉल्स को आप शामिल करेंगे, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है, और कॉल्स जितनी शामिल करनी थी कर चुके हैं। मोहम्मद शहजाद, वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर कहते हैं, क्या हाल है शहजादे, कैसे हो? ठीक हो, खैरियत से हो? और फरमान खान, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जाहिद आकाश कहते हैं कि अभी मैं दही लेने जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सही है। काश वाली वाली कहते हैं हाँ मेकअप नहीं कर दूंगे, मतलब आप लोगों को यकीन ही नहीं आता, मतलब इन लोगों को यकीन नहीं आता हमारा कि हम लोग मेकअप नहीं करते, ना करें हम क्या करें, और हमें आप लोगों को यकीन भी नहीं दिलाना, सीधी सी बात है। सो आबिद अमीर कहते हैं कि हम जिस तरह लैला मजनू हीर रांझा सही थे ना, उसी तरह सस्सी पुन्नू की मोहब्बत की कहानी मिसाली है। मुझे तो लगता है ये फोक स्टोरीज हैं, व्हाट डू थिंक हुमैरा, है ना, फोक स्टोरीज हैं ये, कुछ इनका कोई सर पैर है नहीं। कि भाई फरहाद ने दूध की नहरें निकाल दी थी, तो भाई दूध की नहरें कहाँ हैं, वो नज़र तो आएँ। अब लोग कहते हैं कि लोगों ने ना दूध बेचना शुरू कर दिया था, तो अच्छा ये सही है भाई। अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि किसी की इतनी सच्ची भी मोहब्बत होती है कि दूध की नहरें ही खोदी, वाह भाई क्या बात है। मसूद अहमद साहब कहते हैं एक सॉन्ग है हमारे मुल्क का, सजना है मुझे सजना के लिए, ज़रा खुद को ज़रा निखार लूँ, है ये इंडियन सॉन्ग है, क्या हो गया, पाकिस्तानी सॉन्ग नहीं है ये। और ज़ियाउल्लाह कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अच्छा जी, आटे वाली बात पे बड़ी हंसी आई शाजिया जी, मैक्सवेल जी हैं ये, कौन है, कहते हैं हेलो एवरीवन, आई वाज वंस सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर इयर्स नाउ, एंड आई वाज टोल्ड बाय माय डॉक्टर दैट बाय माय हाँ क्या देर इज़ नो पॉसिबल क्योर, एंड आई नो आई हैड लिमिटेड टाइम ऑन प्लानट अर्थ। कौन है भाई ये, कौन है ये? अच्छा जी, चलें जी। अच्छा जी, काशे वाले मलिक कहते हैं अल्लाह बाकी ने एक बंदी, मजाक कर रहा था मैं, लेकिन हम सच बोल रहे हैं, हम मजाक नहीं करते। चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। कमेंट्स काफ़ी सारे स्क्रॉल हो गए हैं जो मुझे अब देख भी नहीं रहे हैं, तो हमारा आ चुकी, तो आपसे इजाज़त ले ही लेते हैं। और कुछ कमेंट्स थे जो मुझे दिखे थे लेकिन वो स्क्रॉल हो गए, नज़र नहीं आए, मैं पढ़ नहीं पाई हूँ उनको। चलें कोई बात नहीं, जिन लोगों के कमेंट्स रह गए तो माजरा चाहते हैं आपसे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल। मैं जल्दी इसलिए ऑफ कर रही हूँ क्योंकि एक गाना मुझे जो है वो कहा था एक लड़की ने, उसको प्ले करके जाएंगे हम, ठीक है? दो गाने एक अंकल ने कहा था और एक बलोची सॉन्ग कहा था, तो दो गाने प्ले करके जाऊंगी, राइट? सो पहले ये वाला गाना और फिर उसके बाद वो वाला गाना जो अंकल ने मोहसिन और साबिर भाई को डेडिकेट करने के लिए कहा है, वो वाला गाना प्ले हो जाएगा, ठीक है? चलें जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। अपना अपने प्यार को रखेगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखेगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मगफरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। फरहाना इज फाइनली साइनिंग ऑफ, फिर हमारे